एंड तक नर्सरी है, पूरी नर्सरी आपको दिखाऊंगा, मेरे साथ आप जाएंगे। तो चलें प्लांट्स देखते जाएं, कितने ज़बरदस्त प्लांट लगे हुए हैं। ये सारी पनीरी सुहांजना की बड़ी हुई है, ये देखें। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि ये सरकारी नर्सरी है, तो सरकारी नर्सरी के रेट ज़रा थोड़े से कम होते हैं दूसरी प्राइवेट नर्सरियों से। तो ये वाली नर्सरी बागे जना के अंदर है, लाहौर बागे जना के अंदर। और यहाँ पे जो पत्ते मौजूद हैं ये इनकी खाद बनाते हैं, ऑर्गेनिक जो आप खाद सुनते हैं देखते हैं चाहते भी हैं कि हमें मिलें, ये वो वाली खाद तैयार करते हैं। इसको कहते हैं लीफ मन्योर, इसको बेसिकली खाद नहीं हम बोल सकते, ये मन्योर होता है, ये मिट्टी के अंदर हम मिक्स करते हैं। और इस साइड पे आ जाएं, यहाँ पे पनीरी तैयार हो रही है, मुख्तलिफ दरख्तों की पनीरी है, ये सारी पनीरी मुख्तलिफ दरख्तों की बड़ी हुई है इस जगह पे ये। और इसके बाद ये नीचे पनीरी है सारी, ये देखें। और एक सेक्शन इसका ये है, यहाँ से ये जाएं। देखते जाएं जो भी आपको खूबसूरत प्लांट लगेंगे, अगर आप लाहौर के अंदर रहते हैं तो यहाँ से आके ख़रीद सकते हैं। बागे जना के अंदर ये नर्सरी है, एक नर्सरी बागे जना वालों की है, एक से दो नर्सरियाँ उनकी हैं, वो नहीं सेल करते, ये बागे जना के अंदर ही नर्सरी अवेलेबल है। ये हॉर्टिकल्चर वालों की लग से नर्सरी है, ये पौधों को सेल करते हैं, आम पब्लिक को भी ये प्लांट देते हैं। यहाँ पे टनल बनाए हुए हैं, टनल के अंदर कटिंग लगाई हुई है, ग्राफ्टिंग की हुई है, टनल बंद किए हुए हैं क्योंकि सर्दियों का सीज़न है, नवंबर का मंथ चल रहा है, तो आपको पता है कि नवंबर के मंथ के अंदर ओपन में आप कटिंग नहीं लगा सकते कुछ प्लांट्स की, तो वो इन टनल के अंदर इन्होंने लगाकर मिट्टी डालकर बंद कर दी है और बाहर से ही इसे पानी देते हैं, ओपन नहीं करते। इसी तरीके से ये छोटे वाले टनल हैं, लोअर टनल ये वाले हैं, और ये पूरा एक सेक्शन है वो ब्लैक टनल है, उसके अंदर मनी प्लांट इस तरह के पौधे पड़े हुए हैं। इन पौधों के अंदर बहुत सारे ऐसे पौधे भी मौजूद हैं जो इनडोर रखे जाते हैं, और इनडोर रखने का इनका ये फ़ायदा है कि ये केमिकल्स को अब्सॉर्ब करते रहते हैं और ऑक्सीजन मुहैया करते हैं, और रूम का जो पूरा एक माहौल है उसको नेचुरल बनाते हैं, खूबसूरत तरीन बनाते हैं। उसके लिए इनडोर जो प्लांट हमारे वो इस्तेमाल किए जाते हैं। और यहाँ पे ये आ गया हमारे पास ये वाला, ये वो है, इसको क्या कहते हैं, राइस हस पड़ा हुआ है, राइस हस्क के हस हश क्या इसको बोलते हैं, ऐश बोल रहे हैं आप, क्योंकि ये राख है तो ये हल्का फुल्का बर्न होता है, तो बहुत ज़बरदस्त ये इन्होंने बनाया हुआ है। ये कहाँ से मिलता है, ये मिलता है जो शैलर होते हैं, बड़े बड़े मिलने होती हैं चावलों वाली, जो चावल और छिलका अलग करते हैं ये वहाँ से मिलता है, ये भट्टी में इस्तेमाल करते हैं, जब वो जलाते हैं उसको तो वो इस तरह का बन जाता है। और ये मिट्टी के लिए बहुत ही बेहतरीन खाद है हमारी। यहाँ पे ये कुछ पाम की वैरायटी यहाँ पे मौजूद है, वो चैनी फैन की वैरायटी है, वो जो चौड़े पत्तों वाली है, और एक सेक्शन इनका ये यहाँ पे है। हर प्लांट को अगर नज़दीक से देखेंगे तो बहुत ही खूबसूरत है, अगर इनको आप पानी से वाश कर लेंगे तो मज़ीद खूबसूरत लगना शुरू हो जाएंगे ये आपको। और यहाँ से ये अब दूसरा बेड सेक्शन इनका शुरू हो गया, ये वाला, इन सेक्शन के अंदर आप जहाँ मर्ज़ी देख सकते हैं, आके आप पूरा विज़िट करें, विज़िट करके पौधों को ख़रीद सकते हैं इनसे, ये देखें। ये ब्लैक वाला टनल, इनके अंदर कुछ इस तरह की वैरायटी बड़ी हुई हैं जो टनल के अंदर मौजूद रहती हैं, तो वो आप इनडोर वैरायटी इनके अंदर बड़ी हुई हैं, इनडोर वैरायटी यहाँ से भी आप ख़रीद सकते हैं। ये भी देखें फ्लावरिंग के ऊपर ये पौधे आ गए हैं, कितने खूबसूरत लग रहे हैं। है ना खूबसूरती। और ये कटिंग लगाई थी, ये कटिंग भी चलना शुरू हो गई है, इसको फोकस कर लूँ मैं, ये हाँ। और यहाँ पे वो रेड कलर के फूल कितने प्यारे लग रहे हैं, एक रेड कलर के ये फूल ऊपर लगे हुए हैं, एक ये देखें येलो कलर का ट्री,
इसकी भी कटिंग आपको मिल जाएंगी। इसके बाद ये यहाँ से शुरू हो जाएंगे, पूरा सेक्शन है इनके पास। इसके साथ ही नर्सरी है, ये बागे जनाब वालों की है, इससे उस साइड पे जहाँ पे वो आपको बंदे खड़े दिखाई दे रहे हैं, ये बागे जनाब वालों की। ये बागे जनाब वाले सेल नहीं करते, और ये नर्सरी गेट नंबर 4 के करीब तरीन है, जहाँ पे एग्जामिनेशन हॉल है बाहर, उससे जो सामने वाला गेट है उससे एंटर होंगे, बागे जनाब के अंदर एंटर होंगे तो साथ ही सीधे हाथ मुड़ेंगे तो आपको ये नर्सरी मिल जाएगी। किसी से भी पूछ लें कि डॉक्टर साहब की नर्सरी में जाना है, मतलब हॉर्टिकल्चर वालों की नर्सरी में जाना है, तो वो आपको एड्रेस बता देंगे, बागे जनाब वाले जितना भी हमला है उनको पता है कि ये नर्सरी कहाँ है। और यहाँ से हम चलते जाएंगे, ये फैकस की वैरायटी लगी हुई है सारी, ये प्लांट तैयार हो रहे हैं, फिर इसकी इन प्लांट को यहाँ से निकाल लेंगे, फिर दूसरी जगह पे लगाएंगे, इनकी कटिंग भी करेंगे और ये खूबसूरत लगेंगे। फैकस की जितनी भी वैरायटी आपने अक्सर इनकी टुपैरी देखी होंगी, ये भी फैकस की वैरायटी है, ये टुपैरी इन्होंने बनाई हुई है कटिंग करके, खूबसूरत कटिंग की हुई है। ये आप माली से कटिंग करवा सकते हैं, जो प्रोफेशनल माली होते हैं वो तो बहुत ही अच्छी कटिंग करते हैं, तो प्रोफेशनल माली अगर आप ढूंढना चाह रहे हैं तो वो भी इनसे आपको आके कंफर्म करना पड़ेगा, इनके पास वो उनके रابطہ वगैरह होते हैं तो वो ये नंबर वगैरह शेयर कर देते हैं। और दूसरी एक टुपैरी की किस्म ये है कि ये इन्होंने जंगले बनाए हुए हैं, ये सराई है, तो सराई जो नीचे ये फैकस की जो वैरायटी आएगी वो इसके साथ साथ चलती जाएगी, और इससे जो बाहर ब्रांचेज निकलेंगी उसको काट देंगे, वो काटेंगे तो पूरा सुराही वाला प्लांट आपको दिखाई देगा। अगर आप इस तरह का ये नहीं फ्रेम बनवाते तो फिर कटिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, फ्रेम बना लेंगे तो फिर आपको माली की भी ज़रूरत नहीं है, सुबह सुबह उठें अपने गार्डन में जाएं और ख़ुद ही कटिंग कर लें। उसकी मिसाल मैं आपको ये दिखाता हूँ, ये देखें ये दिल बना हुआ है, ये वाला ये दिल बना हुआ है, इसके अंदर अंदर ये पौधे रहेंगे और इसको आप ऐसे इसके साथ करते जाएंगे, ये इस तरीके से, ये जैसे ये बड़े होंगे तो आपने इनको इस तरीके से कर लेना है। इसकी दूसरी वैरायटी ये पड़ी हुई है टुपैरी की, इसके बाहर जो ये देखें जितनी ब्रांचेस आ रही हैं, ये वाली ये सारी ब्रांचेस ये इनकी आप कटिंग कर देंगे, ये और ये खूबसूरत एक वो गोल सा बन जाएगा, ये जैसे ये बना हुआ है। इसलिए फ्रेम ज़रूरी है कटिंग करने के लिए। यहाँ पे चांद तारा अभी पौधा छोटा है, जैसे ही इसको पूरा कवर कर लेगा तो ये भी बहुत खूबसूरत बन जाएगा। और ये फैकस की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी भी यहाँ है। इसके अलावा ये सब फूलों की पनीरी तैयार हो रही है यहाँ पर, ये देखें ये फूलों की पनीरी है, ये भी और कुछ पनीरी ये तैयार हो गई है, और इसके ऊपर कलियाँ आनी शुरू हो गई हैं, वाइट फ्लावर निकलेगा, बहुत खूबसूरत फ्लावर। और रेस कोर्स के अंदर आपने अक्सर देखा होगा कि वो लगता है इनका फ्लावर्स का मेला लगता है, तो अभी फिर से लगने वाला है, नवम्बर की 30 तारीख को शायद लगेगा दोबारा से, तो वो बागे जनाब वाला जो अमला होता है वो यहाँ पे तैयार करते हैं और वो वाले प्लांट वहाँ पे जाते हैं, ये हॉर्टिकल्चर वाले नहीं लेके जाते, ये यहाँ पे अपने तजर्बात करते हैं अपनी नर्सरी के अंदर। और बेसिकली ये नर्सरी से बढ़कर तजर्बा गाह है, और यहाँ पे मुख्तलिफ पौधों की प्लांट्स की कटिंग के ऊपर तजर्बात हो रहे होते हैं, और ग्राफ्टिंग के ऊपर बहुत सारी ये चीज़ें मुख्तलिफ तरीक़ों से कर रहे होते हैं। और इनके पास जो जितना भी ये साइंटिस्ट हैं, इनको हम साइंटिस्ट बोलेंगे, इनको बेसिकली आम जुबान में यहाँ पे जो माली लोग हैं डॉक्टर बोलते हैं, तो इनसे आप मिलकर मज़ीद अपने घर के अंदर जो गार्डन के अंदर पौधे लगे हुए हैं उनके मज़ीद डिटेल पूछ सकते हैं। कोई अपने आपके दरख्तों को, फ्लावर वाले दरख्तों को, किसी भी किस्म की वैरायटी को, कोई बीमारी है, कोई मुश्किल पेश आ रही है, तो आप इनसे आके गाइडलाइन ले सकते हैं। यहाँ पे ये बोनसाई तैयार कर रहे हैं, ये देखें ये बोनसाई की एक मिसाल है,
कितना खूबसूरत बॉन्साई बनेगा। और देखें नीचे से इसकी जड़ देखें, और ये छोटा सा और ये प्यारे से पॉट के अंदर इन्होंने लगाया हुआ है। हमारा रिव्यू काफ़ी बड़ा हो गया, अभी नर्सरी काफ़ी बड़ी है, पौधे अगर अलग अलग से बताना शुरू करता तो 2 से 3 घंटे लग जाने थे, इतना टाइम नहीं मिलेगा। तो हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।